नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि आपका सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको रट जाना है। उस गाय का नाम था रोजी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह इनमें से कौन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बार-बार ये क्वेश्चन है, रिपीट करता है। सही जवाब हो जाएगा आपका जैविक खाद। दोस्तों इसे पिछले वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा जिसमें हम आपको 40 तक प्रश्न बतलाए हुए थे, ठीक है ना। अगला है, शहद का निर्माण कौन करती है, उसका नाम क्या है। दोस्तों कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी जो होती है ये शहद का निर्माण करती है, ठीक है ना दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को आप सभी स्टूडेंट। अगला है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सिल्क धागे में। तो फाइब्रोइन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों रट जाना है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला है, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, तो हैजा, बर्ड फ्लू, रानीखेत, ये सभी बीमारी जो है ये मुर्गियों से होने वाली है, ठीक है ना। ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, और देखिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए सभी स्टूडेंट, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपका एक भी वीडियो छूटेगा नहीं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है, तो शराब उद्योग में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। दलहनी पौधे के जड़पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है दोस्त, ये अस्थि मज्जा में होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से, बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना, बी लिम्फोसाइट है ये भी आपका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है दोस्त आप जानते हैं, बताइए। अस्थि मज्जा उसे कहते हैं हड्डी के बीच वाले भाग को, ठीक है ना। अब देखिए, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती हो, उसे क्या कहा जाता है, PCR कहा जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्योगज प्रोटीन हिरुडीन का इस्तेमाल क्या है, हिरुडीन क्या है, पुनर्योगज प्रोटीन है, इसका हिरुडीन का उपयोग किसके लिए करते हैं, इसका उपयोग होता है दोस्तों एंटीक्योगुलेट के लिए। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आपका पुनर्योगज DNA क्या है, पुनर्योगज DNA एक प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है। पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से, प्रथम मानव हार्मोन कौन है इनमें से दोस्त, सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंसुलिन। अगला वैसिलस थ्रू एंजेसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन होता है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका क्राई प्रोटीन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है, ये किसे नियंत्रित करता है, क्राई IAB कॉर्न छेदक को नियंत्रित करता है। TI प्लाज्मिड जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्राप्त होता है, क्वेश्चन रट जाना है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, विटामिन ए की। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, संतुलित क्षेत्र में दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसका नाम है बबूल। अगला टुड्डा क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लेते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। जल धारण क्षमता मिट्टी का इसमें किसका इसमें अधिक होता है, ये कले में सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। जल धारण क्षमता अधिकतम किस में होता है, कले में होता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण होता है, उत्पाद, जीव, माध्यम, इनमें से सभी आपका हो जाएगा। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित राज्य में है, गेंडा
अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये असम में है, ठीक है ना, असम में। अगला है, निम्नांकित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है, अमरवेल लेंटेना और नेपेंथिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ हो रहे पौधे की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, तो ये गेंडा के लिए विख्यात है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, साधारण कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है, 20 से 30 डेसिबल। अगला और लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धुंध निम्नांकित में से इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, PAN नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे 30 प्रश्न अभी आपको बताएं, ये रट जाना है दोस्त, और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा है आप सभी को तो कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, ठीक है ना, कमेंट करके बतलाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अब आपका टेस्ट होगा, इस 70 प्रश्न का टेस्ट होगा, ठीक है ना, टेस्ट होगा, आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा, ठीक है ना, सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि लाइव टेस्ट करवाएं तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है ना, और आपको जवाब देना होगा लाइव में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।